खबरों को लेकर कोई समझौता नहीं, खबर वो जिसका हो असर। सीधी क्षेत्र की खबर पाने के लिए जुड़े रहें द थर्ड आई के साथ। जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग सीधी के अधिकारी ने सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार कक्ष में ली स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक, बयान आया सामने। बता दें कि सीधी जिले के जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रबंधक अधिकारी सीधी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल के सभागार कक्ष में सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि दस्तक अभियान का शुभारंभ 18 जून 2022 से हो रहा है, जिसको लेकर जिला कार्यक्रम के स्वास्थ्य प्रबंधक अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी 18 जून से शुरू हो रहे दस्तक अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एक महीने के दस्तक अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 महीने तक अभियान चलाकर निमोनिया, एमिनिया, दस्त रोग का नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही साथ विटामिन ए का अनुपूरण का भी अभियान चलाया जाएगा, आया है बयान। किस विषय वस्तु को लेकर की गई ये सरकार द्वारा दस्तक अभियान जो है 5 वर्ष तक के बच्चे जो हैं हमारे, उनमें बालकालीन जो बीमारियां हैं कि निमोनिया है, एनीमिया है, दस्त रोग का नियंत्रण है, इन सभी संबंध में दस्तक अभियान एक चलाया जाना है। विटामिन अनुपूरण का अभियान चलाया जाएगा 1 महीने का, 18 जुलाई से शुरू होगा। तो दस्तक अभियान का उन्मुखीकरण किया जा रहा है, साथ में जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, चाहे वो अनमोल हो या तो फिर हमारे बालकालीन जो टीकाकरण हमारे लगते हैं या NCD प्रोग्राम है, तो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। सर, यहाँ पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग ली गई? जी, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों। सर, आपका नाम? जी, सौरभ सिंह चौहान। सर, पद किस पद पर है? जी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग सीधी।